जय हिंद दोस्तों, मैं अजय आप लोग के अपने चैनल दोस्त आईक्यू पे एक मजेदार वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है वह 12 पास वाले लोगों के लिए है। कुछ लोगों का कमेंट था कि सर बताइए टॉप 10 कॉलेज जो आईटीआई के लिए बेस्ट है, क्योंकि 12 पास होने के बाद वो लोग इधर उधर भटकने लगते हैं कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है। तो उसी के ऊपर मैं एक लिस्ट ला रहा हूँ बेस्ट टॉप आईटीआई कॉलेज पर। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं हमेशा एजुकेशन और जॉब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात की जाए फर्स्ट नंबर कॉलेज पे, तो यह है फाइन आर्ट्स फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट ऑफ आईटीआई। यह जो कॉलेज है वह आगरा में है। इस कॉलेज को चूज करने के लिए आप लोग को आगरा जाना पड़ेगा और यह टॉप 10 में फर्स्ट नंबर पे आता है। बात की जाए इसकी कोट की, तो इस कॉलेज का कोट 1012 है। आप लोग इस कोट को गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं इस कॉलेज के फैकल्टी के बारे में और वहाँ पे क्या क्या सुविधा है। सेकंड नंबर पे जो कॉलेज आता है वह है एसटी जोहान टेक्निकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट आईटीआई। यह जो कॉलेज है वह आगरा में है और यह जो कॉलेज है वह बेस्ट कॉलेज के लिस्ट में आता है। बात की जाए इसकी कोड की, तो 1017 इसका कोड है। इस कोड को आप लोग गूगल पे सर्च करके इस कॉलेज के फैकल्टी के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब बात की जाए जो थर्ड नंबर पे कॉलेज आता है वह मेरा फेवरेट है और आप लोग का भी होना चाहिए। इस कॉलेज के बारे में आप लोग अच्छे तरह से सर्च कर लेना, क्योंकि मैंने इस कॉलेज के बारे में अच्छे तरह से जानता हूँ। बात की जाए थर्ड नंबर पे जो कॉलेज है वह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट आईटीआई। यह कॉलेज जो है वह आगरा में है और बात की जाए इसके कोड की, तो 0114 इसका कोड है। इस कोड को जब आप लोग आईटीआई कॉलेज की लिस्ट में सर्च करेंगे तो यह इस कॉलेज की फैकल्टी बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ पे सुविधा बहुत अच्छा है और यहाँ का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। मतलब यह कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट के लिस्ट में आता है। अब बात की जाए जो फोर्थ नंबर पे कॉलेज है, फोर्थ नंबर पे जो कॉलेज है वह है नैनी प्राइवेट आईटीआई, यानी कि यह इलाहाबाद के नैनी में यह कॉलेज है। अगर आप लोग इलाहाबाद तैयारी कर रहे हैं तो इस प्राइवेट कॉलेज को एक बार जरूर घूम लीजिएगा। यह कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट के लिस्ट में आता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट आईटीआई के होते हैं। बात की जाए इस कॉलेज के कोड की, तो इसका कोड 1372 है, यानी 1372 इसका कोड है। आप लोग गूगल पे इस कोड को सर्च मारिएगा तब आपको पता चलेगा इसकी फैकल्टी और फीस के बारे में, मतलब फुल डिटेल में आपको वहाँ से नॉलेज मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर पे जो कॉलेज आता है, तो फिफ्थ नंबर पे जो कॉलेज है वह है वसील उलूम प्राइवेट आईटीआई। ध्यान सुन लीजिएगा, वसील उलूम प्राइवेट आईटीआई। यह जो कॉलेज है वह इलाहाबाद में है और इलाहाबाद में होगा तो आधा से ज़्यादा बच्चे हमको लग रहा है कि यूपी वाले देखे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग तैयारी करते हैं। तो आप लोग अगर आपके माइंड में कभी इस कॉलेज को देखने का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गूगल पे 1375 कोड डाल के इस कॉलेज के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं। इस कॉलेज का जो कोड है 1375, इसको कोड को आप लोग गूगल पे डालिएगा और इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान सकते हैं वसील उलूम प्राइवेट आईटीआई के बारे में। अब बात की जाए जो सिक्स नंबर पे कॉलेज है वह है माँ संतोषी प्राइवेट आईटीआई कॉलेज। ध्यान सुन लीजिएगा, जो सिक्स नंबर पे कॉलेज है वह है माँ संतोषी प्राइवेट आईटीआई कॉलेज। बात की जाए यह कॉलेज इलाहाबाद में है और यह इस कॉलेज इसका लुक काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है और ख़ुद मैंने भी देखा है। बात की जाए इसकी फैकल्टी तो काफ़ी अच्छी है, इसका ग्राउंड भी अच्छा है और यहाँ का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। और बात की जाए इसकी कोर्ट की, तो
77 इसका कोड है, आप लोग गूगल पे सर्च मारिएगा और इसके अच्छे तरह से फुल डिटेल में, फुल डिटेल आपसे वहाँ से आपको फुल डिटेल मिल जाएगा। इसकी फैकल्टी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, एरिया सेक्टर के बारे में, हर एक डिटेल आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। बात की जाए 7th नंबर कॉलेज पे, तो वह यूपी पुलिस प्राइवेट ITI, इसकी फैकल्टी काफ़ी अच्छी है और यहाँ के बच्चे अधिकतर पुलिस जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। और यहाँ की जो मतलब सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है और इसका ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। इसके बारे में और डाटा कलेक्ट करने के लिए आप लोग गूगल पे पुलिस यूपी पुलिस प्राइवेट ITI लखनऊ डाल के इसके बारे में अच्छा से आप लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात की जाए जो 8th नंबर पे कॉलेज आता है, वह है MA एकेडमी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट ITI। ध्यान से सुन लीजिएगा, MA एकेडमी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट ITI, यह जो कॉलेज है वह लखनऊ में है। इसकी फैकल्टी काफ़ी अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है और इसका ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ की जो मैनेजमेंट है वह काफ़ी डिसिप्लिन वाली है। बात की जाए यहाँ के लड़के अधिकतर जो होते हैं वो बड़ी कंपनियां पहले इन लोगों को हायर कर लेती है। बड़ी कंपनियां इन लोगों को सेकेंड सेमेस्टर जाते जाते ही इन लोगों को हायर पहले कर लेती है। तो MA एकेडमी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट ITI काफ़ी बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में इसका नाम आता है। अब बात की जाए जो 9th नंबर पे कॉलेज है, वह है स्मृति प्राइवेट ITI कॉलेज। ध्यान सुन लीजिएगा, स्मृति प्राइवेट ITI कॉलेज, यह कॉलेज जो है वह बनारस में है और इसकी फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, इसका ग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग एक बार इस कॉलेज को आप लोग घूम के देखिएगा और इसके बारे में डाटा कलेक्ट करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा है। अगर डाटा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी तो गूगल पे इसके कोड को सर्च मारिएगा, इसका कोड जो है 1745। एक बार जब 1745 आप गूगल पे कोड डालेंगे तो इसके बारे में फुल डाटा कलेक्ट हो जाएगा। और यह जो स्मृति प्राइवेट ITI कॉलेज है वो काफ़ी अच्छा है। अब बात की जाए 10th नंबर कॉलेज की, तो जो 10th नंबर कॉलेज है MP नेशनल प्राइवेट ITI कॉलेज, बात की जाए तो इसकी फैकल्टी काफ़ी अच्छी है और यहाँ का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। इस एरिया जो ये कॉलेज है काफ़ी बड़ा है और इसका एरिया भी काफ़ी बड़ा है। यह कॉलेज बनारस में है। और बात की जाए इसकी कोड की, तो 1750 इसका कोड है। गूगल पे आप लोग एक बार सर्च मारिएगा इसके फैकल्टी और इसके बारे में अच्छे खासा डाटा कलेक्ट करके आप लोग यहाँ के लिए आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ के भी जो बच्चे होते हैं सेकेंड सेमेस्टर पे से पहले ही हायर कर लिए जाते हैं। यहाँ की फैकल्टी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो टॉप 10 कॉलेज है आपको कैसा लगा। और इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसके ऊपर मैं फुल डिटेल में एक और वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।